किसान आज भूख हड़ताल पर है। मेरे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत है। राकेश जी, आज आपको अपनी मांगे मनवाने के लिए खुद अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अन्न भी छोड़ दिया हमने, जल भी छोड़ दिया, दोनों चीज छोड़ दी, चाय पानी नींबू पानी सब छोड़ दिया। हम उम्मीद थी कि हम ले ला 8 बजे से पहले चाय, 8 बज गया, फिर बस हुआ भी नहीं, कुछ ली गया। अच्छा, छोड़ दिया तो क्या लग रहा है, क्या फर्क लगेगा कि सरकार आपकी बात जल्दी मान लेगी? देखो, आंदोलन का हिस्सा है एक, ये भी तो ये भी करना चाहिए। रणनीति क्या रहेगी? बोल रहे कि जिले अधिकारियों के पास भी जाएंगे, ज्ञापन देंगे। अलग लोग हमारे जा रहे हैं। हाँ। जाएंगे आज की सभा, ज्ञापन में क्या क्या मसौदा देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं आप? हमारे तो जो इशू है इसी पे बात है, जो इशू है 3 कानून है, इनको वापसी लो, MSP का है, ट्रैक्टर का है, अलग अलग जगह के अलग अलग मसले हैं, तो सारे इशू लग रहे हैं। बातचीत से हल हो सकता है या फिर वापस होने पे ही कुछ बात बनेगी? भाई हल तो बातचीत से ही होगा, लीडर है हमारे जो, हल तो बातचीत से। बातचीत के लिए थोड़ा सा आपको नरमी लानी पड़ेगी थोड़ा सरकार को। हम तो नरमी है, हम तो पूरे नरमी तो है, ये नरमी तो है कि यहाँ बैठे सरकार कह रही है संशोधन करा लीजिए, अनशन पर बैठे, संशोधन पे नहीं मानेंगे। अच्छा, और ये बताइए आगे की रणनीति क्या रहेगी? और हम तो बैठे हैं यहाँ, रणनीति तो सरकार को बनानी, वे बनावे। कुछ संगठन समर्थन में भी आए हैं के साथ, मजबूती की तरफ यहाँ तो कर ही रहा, पूरा देश ही समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो ये तमाम जो किसान नेता हैं आप देख सकते हैं, जो कि अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। और यहाँ पर अगर ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर की है, और यहाँ पर जो है ये अपने बात को रख रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से अन्नदाता अन्न उगाता है और देश का पेट भरता है, लेकिन आज जो है खुद अन्नदाता ने अन्न त्यागा हुआ है, और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है ये कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इनका तो कहना है कि ये अहिंसात्मक तौर पर चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने और माने, ताकि ये गतिरोध जो है जल्द से जल्द दूर हो सके। रीजनल पीपल के साथ जितेंद्र भाई टीम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।